हैं एमिटर में, एमिटर होता है और ये सीटी होती है। इसके कनेक्शन आप एएसएस के थ्रू यानी कि एमिटर सेलेक्टर स्विच के थ्रू कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। सीटी करंट दो टाइप की होती है, एक WPL होती है, एक BPL होती है। एएसएस यानी कि एमिटर सेलेक्टर स्विच, और देख सकते हैं इसी प्रकार वाई फेज का जो वायर होता है वो वाई पे लगा दिया जाता है, ऐसे ही बी फेज का जो वायर होता है बी पे लगा दिया जाता है। जो इसकी सेकेंडरी का टर्मिनल होता है फ्रेंड्स H2 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 तीनों सीटी का, उसको फ्रेंड्स शॉर्ट करके अर्थ कर दिया जाता है, का A2 वाला टर्मिनल होता है उस पर कनेक्शन कर दिया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स जब तक जैसे हमने आर फेज पे इसका सिलेक्शन किया है, तो आर फेज से यहाँ से इस तरीके से इसकी कॉइल से घूम करके ये फ्रेंड्स यहाँ पे सर्किट इस तरीके से पूरा होता है। जैसे हमने इसका सिलेक्शन आर फेज पे किया हो, तो आर फेज से यहाँ से करंट जाएगा और उसके बाद A1 से निकलेगा, क्योंकि ये A1 से निकलेगा। उसके बाद इसके अंदर भी एक कॉइल लगी होती है इस तरीके से, ये कॉइल लगी होती है, ये कॉइल करंट शो करती है। उसके बाद यहाँ से निकल करके सीटी के दूसरे टर्मिनल पर यहाँ पर पहुँच जाती है। इस तरीके से इसका जो सर्किट है कम्प्लीट होता है, तभी फ्रेंड्स यहाँ पर ये करंट शो करती है। यदि इसको A2 की बजाय A1 पे लगाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे करंट दिखाएगा, बट